So, to... बंद हुई है, अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, तो अभी जाके थोड़ी बारिश कम हुई है और जस्ट अभी मैं व्लॉग ही एडिट कर रहा था देहरादून वाला। और तो व्लॉग की आज शुरुआत करते हैं, तो आई एम पुनीत बिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। और जो भी इस चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट भी कर देना बढ़िया बढ़िया से। फ़िलहाल फ़ोन तो ठीक हुआ है, बट फ़ोन के साथ ठीक होने के चक्कर में एक नुकसान भी हो गया, वो मेरा फ़ोन ठीक से खोल नहीं पाया और उन्होंने स्क्रीन चटका दी, तो उनसे थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ो, मैंने वहाँ से पैसे पूछे देके निकल चले गया था। फिर मैं जब मैं बाइक से आ रहा था वापस घर के लिए, तो पूरे देहरादून से और यहाँ तक पूरे रास्ते में बारिश लगी हुई थी भयंकर वाली। और एक टाइम एक सामने उजड़ भी रहा था धीरे धीरे, मतलब गाड़ियाँ रुक रही थी, सरकारी गाड़ी रुकी थी और मैं इधर साइड था, तो जैसी वो गाड़ी क्रॉस हुई हल्के हल्के पत्थर गिर रहे थे, तो वो गाड़ी क्रॉस हुई, मैंने भी एकदम से क्रॉस करी बाइक, तो जैसे ही मैंने क्रॉस करी तब तक पीछे से पत्थर गिर गए थे, मतलब मैं जब क्रॉस हो गया तो तब गिरे एकदम से। और उसके बाद मेरा मतलब होता है ना धक धक दिल में, तो वैसा हो गया था। तो फिर सीधा मैं ठीक मैंने सांस कहाँ पे पोखड़ा पोखड़ा में जाकर रुका, मैं सीधा सर रुका खाना, वहाँ पे खाना खाया। फिर मैंने कहा बारिश और तेज़ हो रही थी, फिर मैंने कहा रुक के फ़ायदा नहीं है, जितना रुकूँगा ठंड और लगेगी, उससे बड़े निकलते हैं। तो मैं पूरा भीग रहा था तब मैं निकल गया था। फिर आगे तक भगवान का नाम लेते लेते आ रहा था मैं, तो सही सलामत पहुंच गया था घर में। तो बस, और अभी बारिश कम हुई है, एडिट कर रहे थे तो नाश्ता भी हो चुका, तो मैगी खाने का मन हो रहा था, तो अभी मैगी बनाता हूँ अपने के लिए, फिर मैगी खाएंगे फिर। और मौसम दिखाता हूँ अभी बाहर का, ये तो मम्मी ऊपर गांव में जा रही है और ये पेड़ रात को नीचे गिर चुका है। अभी बारिश कम हो चुकी है बट बाढ़ जो नदी है वो उफान में, तो नदी का पानी बहुत बढ़ चुका है। बस अब मौसम देखो अब चमक रहा है, मतलब चमक ऐसे उजाला हो चुका है, क्योंकि जैसे पता ही है कि बारिश के होने के बाद उसके बाद उजाला हो जाता है। तो जो भी इस समय पहाड़ में आने की सोच रहे हैं तो मत आएँ, तो हम यही बोलेंगे कि ना आए क्योंकि रिस्क है। केदारनाथ के लिए लोग जा रहे थे तो उनको भी वहीं पर रोक दिया गया, पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि आगे ना जा पाए कोई, क्योंकि उधर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है उससे ज़्यादा। तो इस समय घरों में रहें बस, खैर हम भी अपने घरों में पहुँच गए सही सलामत। बस ठीक है, मैगी बनाते हैं अब हम। मैगी मैगी तो पानी रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं दुकान पे नहीं गया, पापा जी जा रहे थे दुकान पे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी एडिट कर लेता हूँ कंप्लीट। फिर वैसे आज तक बता रही है, आज और कल भी हो सकती है, बट आज लास्ट बता रही है बारिश, तो अभी कोई पता नहीं है कब तक होगी। बाकी और जगह बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो चुकी है, क्या पता इस बार हमारे यहाँ भी गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर गिरती है बट बहुत टाइम लगता है गिरने में, मतलब सालों में गिरती है, तो क्या पता इस बार भी गिर जाए। वेट वेट, खैर मुझे बर्फ़ पसंद नहीं है इतनी, एक एक बार देखो ठीक है, ओके ओके। खैर मुझे बर्फ़ ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यार सारा कुछ वाइट वाइट हो जाता है, वो एक टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर बार बार देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे यहाँ पे बर्फ़ जल्दी गल भी जाती है क्योंकि इतना वो नहीं है यहाँ पे लगा, बट अच्छा लगता है जब बर्फ़ गिरती है वो अच्छा होता है, बहुत प्यारा लगता है वो सीन। तो अपनी मैगी होगी बॉइल, और डाल दें मसाला। खैर मैं कभी मैगी में एक्स्ट्रा मसाला कभी नहीं डालता क्योंकि तब स्वाद अजीब सा लगने लगता मेरे को। यह है प्लेन मैगी मात्र 40 रुपए में, 40 होने देते हैं क्योंकि सूप वाली मैगी बारिश में पहाड़ पहाड़ में बारिश, अरे कहना क्या चाहते हो, अब बारिश में सूप वाली मैगी बहुत मस्त कॉम्बिनेशन। आते टाइम मैंने बाइक के टायर भी चेंज करवा दिए थे, जैसे मैंने टायर चेंज करवा दिए थे, और कसम से अगर मैं टायर चेंज नहीं करवाता
तो मैं घर जल्दी नहीं पहुंच पाता, और दूसरी चीज़ बाइक बहुत स्लिप होती क्योंकि उसका आगे का टायर ख़त्म हो चुका था और पीछे का टायर का 10 नंबर कम था, इसलिए वो स्लिप मार जा रहा था, जैसे कॉन्क्रीट आ रही थी उसमें स्लिप हो जा रहा था एकदम से। बट मैंने टायर चेंज करा के बहुत अच्छा काम करा। एक काम अच्छा हुआ तो एक काम बेकार हुआ, बट टायर चेंज करवा के अच्छा हुआ, क्योंकि तब मैं जब आ रहा था तब मैं कितने की मतलब मिनिमम स्पीड मेरी 70, 60, 50 मिनिमम स्पीड यही चल रही थी मेरी, क्योंकि जब मैं मूड जब मैं आ रहा था तब बारिश हो रही थी तो जल्दी भी आना था मैं, तो इसलिए मैं 70, 60, 50 की स्पीड में मिनिमम स्पीड मेरी इतनी थी पूरे रास्ते में। और बाइक के टायर चेंज करा के अच्छा फैसला था मेरा, थैंक यू। तो अपनी मैगी हो चुकी है तैयार, गैस बंद, चलो 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 लाइट ऑफ, चलो 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 अपने एरिया में, अपने एरिया में। तो अब मैगी खाते मस्त। गरम है भाई, मस्त है। तो मैगी ख़त्म कर चुका हूँ, अब पेट भी भर गया, तो अब करते हैं काम। तो जो पेड़ गिरा था उसकी कटिंग हो चुकी है, रास्ता साफ कर चुके हैं। व्यू देखो एक बार, आए। तो फिलहाल एडिटिंग कर चुका हूँ, फाइल अभी सेफ होने के लिए, क्योंकि वो 1 घंटा लेगी सेफ होने में, क्योंकि 2 GB की फाइल है तो 1-2 घंटा तो लेती है, बड़े प्यार से लेती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर गांव में दोस्तों के साथ बैठने। वो देखो जिमी, जब हमने इसे खोला रहता ना, कब आएगा ये, आ गया। जेबी क्या देख रहा है, ऊपर है। तो जिम्मी भी आ चुका है घूम फिर के, चलो। तो अब घर जाने का टाइम हो चुका है, और हल्की हल्की धूप भी आ गई क्योंकि आज तक ही बताई थी बारिश, कल से नॉर्मल हो जाएगा वो। तो अभी अपना खाने का टाइम हो चुका है, फिर खाना खाएंगे फिर ऊपर जाऊंगा। अभी वीडियो सेफ हो गई होगी तो इसे अपलोड में लगा देते हैं। वैसे एयरटेल का नेट इतना चल नहीं रहा अभी तेज, धूप तो अभी एयरटेल का चल नहीं रहा इतना फास्ट, देखते हैं कब तक अपलोड होती है। ठीक है वो, ओए होए होए होए। हाँ तो फिलहाल अभी सो के उठाए था, तो कल के जो कपड़े भीग रहे थे मेरे वो मैंने पानी में भिगा रहे थे, तो अब उन्हें मैं गदन लेके जा रहा हूँ क्योंकि धोने ज़रूरी है, और नल टूट चुके हैं पानी के तो पानी आ नहीं रहा। फिलहाल धूप आ चुकी है मस्त, क्योंकि आज तक ये बताई थी बारिश। तो अब नदी जाते हैं, नदी का भाई पानी कम हो चुका है, दिखाता हूँ फिर। तो ये कपड़े भी धोएंगे हम, और पानी भी लाना पीने का। ओके, एक लैंड स्लाइड यहाँ पे भी हो गई छोटी सी, पता तो चले गए। तो हम पहाड़ी लोगों को यही दिक्कत फेस करनी पड़ती है जब बाढ़ आती है, नल टूट जाते हैं पानी के। अब जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक नल बनाने भी नहीं जा सकते। तो फिलहाल मेरे साथ ये भी आ गए नीचे, और पानी को जिस तरह यहाँ का कम हो चुका, अब दिखाता हूँ मैं कहाँ तक चल रहा हूँ। वहाँ तक पानी था पहले, और अब हो चुका कम। ये नहीं देखो, हाँ
तो कपड़े साफ हो चुके, पानी लेने जा रहा हूँ मैं। मम्मी मम्मी भी आ गई थी साथ में, तो मम्मी कह रही मैं बाल्टी ले जा दूँ तू पानी भर के लिए। चलो तो ठीक है। अरे ये फिर उजड़ गया, ये स्रोत फिर उजड़ गया। अरे भरते पानी, अब ये पुल बनना ही होगी, पता नहीं कब तक, तब तक हमें ऐसी नदी क्रॉस करके जाते हैं। गुड मॉर्निंग, और हो चुकी है नई सुबह, और इतनी प्यारी धूप निकली है ना, मस्त धूप और अच्छा लग रहा है। तो ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी है, बाकी फिलहाल अभी अपन दुकान जाएंगे और बाइक को भी थोड़ा देखता हूँ, क्योंकि उसके नट नोट ढीले हो गए थे, क्योंकि उसमें एलन की होती है, तो एलन की के चलते हुए थोड़े ढीले हो जाते कुछ पार्ट्स, सारे नहीं कुछ पार्ट्स हो जाते, जैसे इंडिकेटर ढीले हो गए थे, तो मैंने सतपुल में भी चेंज करवाए थे। तो अभी भाई तो अभी नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। मौसम देखो, यहाँ से छैया फट चुका है, शुद्ध पानी पीने का। तो अभी बाइक की हालत इतनी बुरी हो रही है ना, तो फिलहाल अभी मैं धोने के लिए लेके जाऊंगा इसे, पूरा रेता ही रेत हो रहा है। और ये लाइट भी चेंज करवा दूंगा क्योंकि ये खराब है। और बाकी तो और मैंने दोनों आगे पीछे नए टायर गिरवाए हैं, मिशलिन के टायर हैं, वो वाला भी दोनों नए करवाए हैं। तो बस अभी इसे साफ करने लेके जाऊंगा, देन उसके बाद देखेंगे कुछ कुछ नहीं देखेंगे। तो फिलहाल बाइक की लाइट चेंज करवा दी है, और अभी मैं फिर बाइक इस दुकान पे खड़ी करके स्कूटी लेके गया चौमिन खाने के लिए। तो बस दुकान जा रहा हूँ, फिर सीधा घर जाएंगे। ओके okay. yeah.